हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग करेंगे हॉर्जेंटल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर में फेंकते हैं तो मैंने बताया था इन जनरल उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं और उसका जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है अब प्रोजेक्टाइल वन डी में अगर आप देख रहे हो तो वन डायमेंशनल मोशन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल थ्रो करते हैं या ड्रॉप कर देते हैं तो वन डायमेंशनल मोशन है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है वो भी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर हो रहा है

हाइट से आपने किसी ऑब्जेक्ट को हॉर्जेंटली प्रोजेक्ट कर दिया अब हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हॉजेंटली प्रोजेक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे आपने एक बॉल को बिल्कुल हॉर्जेंटल थ्रो कर दिया आपने आ, आ, किसी हाइट से जैसे मान लीजिए आप किसी फ्लैट में अपार्टमेंट में किसी फ्लैट से आपने किसी बॉल को हॉर्जेंटली थ्रो कर दिया तो आपने फेंका जरूर हॉजेंटल था लेकिन उस पर तुरंत एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में लगने लगेगा तो उसका जो मोशन होगा वो कर्व्ड पाथ होगा और वो प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ होगा और हम उसके मोशन को कैसे एनालाइज करेंगे पोजिशन डिस्प्लेसन विलोसिटी एक्सलेशन ये सारी चीजें टाइम ऑफ फ्लाइट ये सारी चीजें भी हम लोग इस वीडियो में निकालना सीखेंगे अच्छा प्रोजेक्टाइल के तीन केसेज हो सकते हैं एक तो ग्राउंड टू ग्राउंड हो सकता है एक हॉजेंटल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट हो सकता है तीसरा हो सकता है कि हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन करें किसी हाइट से चौथा हो सकता है कि हम लोग इंक्लाइन प्लेन करें तो ये चार पांच केसेस प्रोजेक्टाइल के बनते हैं तो अभी हम लोग दूसरा केस करने जा रहे हैं हॉजेंटल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो देखिए मैंने ये एक बिल्डिंग की हाइट है एच जी इसके पीक पॉइंट से यहां से यहां से बिल्डिंग की हाइट से मैंने एक ऑब्जेक्ट को जू स्पीड से फेंक दिया डायरेक्शन में अब जैसे ही मैंने इसको फेंका तो इसकी ऑजेंटल ऑर्जेंटल को मैंने एक्स मान लिया है वेलोसिटी है बट तुरंत इस पे अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट का वेट एम जी लगने लगेगा तो इस पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी तो इस पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई जी ये जी अब जी किस डायरेक्शन में वर्टिकल वर्टिकल को वाई बोल दिया मैंने ये रहा वाई, डाउनवर्ड वाई है तो अब साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा अपवर्ड को अगर प्लस लेंगे तो ये माइनस लेना पड़ेगा हम डाउनवर्ड को प्लस लेंगे तो इसको प्लस, तो इसको प्लस जी लिख सकते हैं और ये अपनी मर्जी होती है साइन कन्वेंशन मैंने बताया था आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर साइन कन्वेंशन ना दे रखा हो तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी मान सकते हो तो मैंने मान लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस है तो एक्सलेशन हो गया प्लस जी और राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है एक्स में तो ये हो गया प्लस यू अब देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी में कोई वाई कंपोनेंट नहीं था अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी एक्स में यू ठीक और इनिशियल वेलोसिटी में वाई का कोई कंपोनेंट नहीं था तो मैं देखिए दोनों दिखा रहा हूं ये एक्स का मोशन है कोई भी टू डायमेंशनल मोशन कंपोनेंट से ब्रेक करके करते हैं यहां पे भी हम लोग वही करने जा रहे हैं एक्स का बना रहे हैं एक वाई का बना रहे हैं दोनों फिगर मैंने जब क्लास में पढ़ा रहा था तो दो बनाए थे एक्स में इनिशियल वेलोसिटी यू थी लेकिन भैया एक्स में कोई एक्सलेशन तो था नहीं सारा जी तो वाई डायरेक्शन में था तो जब एक्स में कोई एक्सलेशन ना हो एक्सलेशन होता है क्या है वो यू ही रहेगी भाई जब विलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है तो वो विलोसिटी यूनिफॉर्म बनी रहेगी और जब एक्सलेशन जीरो जी होता है तो मोशन यूनिफॉर्म होता है तो हर समय जू 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 यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मॉसिटी बनी हुई है अब आते वाई में वाई में जीरो थी बट वाई में एक्सलेशन है

कितनी? से UI, UI cap GTJ cap. और ये देखिए मैंने दिखा दी नेट वी एक्स आई जे कैप है तो मैंने लिखा दिया इसको दिखा दिया यू आई कैप जी टी जे कैप अब भाई हमसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपको सारे सारे ऑलमोस्ट सारे कोचिंग्स के मॉड्यूल में मिल जाएंगे

डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन का मतलब क्या है तो डायरेक्शन का मतलब ये देखिए ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल जो हॉर्जेंटल से, 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 से बनना है तो, तो ये कैसे निकालोगे आप टेन अल्फा टेन अल्फा इसका थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टेन परपेंडिकुलर क्या बनेगा वाई अपॉन एक्स वीवाई अपॉन वी एक्स वीवाई कितना है जी टी वी एक्स कितना है आपसे एक्जेक्ट एंगल पूछेंगे तो अल्फा इक्वल टू टेन स्पीड आ गई डायरेक्शन वाला वाई की जगह लिख देना हाफ जीटी कैप वो कहा से आया क्वेश्चन कर लेते हैं लगे यहां तो एक ऑब्जेक्ट को हमने ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से डायरेक्शन में थ्रो कर दिया अस्सी मीटर हाई बिल्डिंग से एट्टी मीटर एट्टी मीटर इसकी हमको बतानी है मोशन कितनी देर बाद तो वन सेकेंड आफ्टर वन सेकेंड ऑफ मोशन इसकी स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायरेक्शन जो वोट एवर जो भी निकाल सके तो पहले तो वन सेकेंड बाद एक्स में बताइए अगर x में वेलोसिटी तो चेंज होगी क्या नहीं

अब एक चीज और कर लेते हैं जब ये पूरा ग्राउंड पे पहुंच जाएगा ग्राउंड पे पूरा पहुंच जाएगा ठीक पॉइंट से लेके ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो इसको टाइम कितना लगेगा पहुंचने में तो भाई कैसे निकालोगे तो आपको पता क्या है पता आपको ये कि जब भी ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसने बिल्डिंग की पूरी हाइट तो कवर कर ही ली होगी और बिल्डिंग की पूरी हाइट इसका डिस्टेंस भले ना हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जरूर है एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल टू फाइनल ही होगा कि जो मैं डॉट 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 दिखा रहा हूँ

तो एक क्वेश्चन मुझे बताओ अभी के अभी 80 मीटर बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर पर सेकंड से हमने ऑरिजेंटल थ्रो किया था टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बताओ अंडर रूड टू इंटू एटी 10 रूड वन सिक्सटी अपॉन टेन अंडर रूट सिक्सटीन फोर सेकेंड चार सेकंड रेंज बताओ कितनी चार सेकंड में कितने से चलेगा भाई जेंटल में तो ट्वेंटी से चलेंगे ना वर्टिकल में जो भी हो तो ट्वेंटी इंटू फोर कितना हो गया एट्टी फॉर्मूला लगाना चाहो चौबी टू चौपी लगा लो सीधे सीधे रेंज या दिमाग लगाओ ना डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा स्पीड इंटू टाइम एक्स वाली स्पीड ट्वेंटी टाइम कितने चार सेकंड हर सेकंड ट्वेंटी मीटर से एक्स में चला जा रहा है तो चार में कितना चल जाएगा सी मीटर समझे ठीक तो अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक like जरूर करना सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों में स्कूल ग्रुप में शेयर जरूर करना